दरअसल आज से एक आईपीओ की शुरुआत हो रही है, थर्मज ड्रॉप गार्ड। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। 216 से 237 रुपए का प्राइस बैंड है। 251 करोड़ रुपीज मोबिलाइज करने जा रही है एक एग्रोकेमिकल कंपनी। बेसिकली वो फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाने का, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने का। क्या आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है, ये क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें कि नहीं? आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी साहब हेड इक्विटी रिसर्च से रिक्वेस्ट करी थी, समझाएं आप लोग का व्यू क्या बन रहा है। सोलंकी साहब जुड़ते हुए, सोलंकी साहब गुड मॉर्निंग। थोड़ा देख रहा था आईपीओ को, FY22 के बेसिस पे महंगा लगता है लेकिन केपेक्स पे स्पेंड है। एक बार केपेक्स कमीशन हो जाता है तो शायद कंफर्ट मिले। तो मैं FY22 के बेसिस पे इसे अवॉइड करूं या आने वाले प्रोजेक्शंस को देखते हुए आप लोग मान तो सब्सक्राइब करना है। व्यू क्या बन रहा है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें अगर अपन देखें तो एग्रोकेमिकल स्पेस में ये आईपीओ जो है इसमें मेजरली फ्रेश इशू का पोर्शन भी है, और ये जो फ्रेश इशू है कंपनी कर रही है अपने केपेक्स को फंड करने के लिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, तो ग्रोथ के लिए मेजरली आईपीओ है। तो इसमें अपने को FY23-24 और जो फ्यूचर की ग्रोथ है उसको भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे हमारी राय इसमें सब्सक्राइब करने की है। और वैसे देखा जाए तो FY22 के बेसिस पे भी 27-28 टाइम्स है, और इसमें जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में प्ले आउट करेगा। तो ये आईपीओ फेयर वैल्यूएशन पे अपन कह सकते हैं अवेलेबल है, तो इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब किया जा सकता है आने वाला। असल में अच्छी जो 250 करोड़ रुपीज मोबिलाइज कर रही है कंपनी, लार्जली जाना है फ्रेश इश्यूएंस पे। 216 करोड़ रुपए वहां जाना है और केपेक्स पे स्पेंड होगा। वंस कमीशन शायद अट्रैक्टिवनेस बढ़े। तो एटलीस्ट आनंद राठी का व्यू बनता हुआ थर्मज ड्रॉप गार्ड में सब्सक्राइब किया जा सकता है। चलिए।